Hello, welcome to Flying Physics YouTube channel. Okay, dear students, आप अगर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं तो आप कमेंट करें. ओके, क्या आप हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं? कमेंट्स करें. अगर आप लाइव जुड़े हुए हैं तो आप कमेंट करें. ओके, रिया, हेलो बाबू. चलिए, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं रिया और जो भी स्टूडेंट्स लाइव हैं, आप लोग कमेंट्स करते रहें. ओके रिया, वीडियो का लिंक आप शेयर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और सभी फ्रेंड्स तक शेयर करें, जिससे सभी बच्चे हमारे साथ लाइव जुड़ पाए. ओके, क्लियर है? ओके, आप लोग वीडियो का लिंक जो है शेयर करते रहें. चलिए, आज हम लोग एक नए चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं, एक नए टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं. ओके, क्या आवाज मेरी क्लियर आ पा रही है? ओके, सभी बच्चे लाइव जुड़ पाए, एक ही स्टूडेंट अभी तक लाइव आए हैं, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स लाइव आए हैं. सभी स्टूडेंट्स लाइव आ पाए. ओके, हमारी कोशिश है कि सभी बच्चे लाइव आ सकें. वीडियो का लिंक जो है शेयर करें, ग्रुप में वीडियो का लिंक शेयर करें रिया. ओके आदित्य, ओके हाय बाबू. चलिए, आप वीडियो का लिंक शेयर करें आदित्य, ताकि सभी स्टूडेंट्स जुड़ पाए. ग्रुप में शेयर कर दीजिए. ओके, अच्छी बात है. चलिए, हम लोग स्टार्टिंग करने वाले हैं. ओके डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन हार्टली वेलकम टू माय फ्लाइंग फिजिक्स यूट्यूब चैनल. और आज हम लोग जो है बात करने वाले हैं डायमेंशन के बारे में, कि डायमेंशन कैसे निकालते हैं हम लोग. ओके आदित्य कुमार, चलिए डायमेंशन कैसे निकाला जाता है हम इसके बारे में आज बात करेंगे. चलिए शुरू करते हैं. अगर हम बात करें बाबू डायमेंशन की, तो डायमेंशन में आप लोगों को पढ़ाया था मैंने कि डायमेंशन क्या होता है. तो डायमेंशन में आप लोगों को बताया मैंने कि यह एक पावर होता है. यह क्या होता है? डायमेंशन पावर होता है. किस पे? तो पावर रेज टू फिजिकल क्वांटिटी, पावर रेज टू फिजिकल यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. किसके यूनिट में? फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, है ना. और मैंने इस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे. आप लोगों को याद होगा कि जो डायमेंशन होते हैं, सात बेसिक क्वांटिटी के हम लोग डायमेंशन सीखे थे, है ना. कितने क्वांटिटी के? सात बेसिक क्वांटिटी के हम लोगों ने डायमेंशन सीख लिया था. क्या आप लाइव हैं? ओके डियर स्टूडेंट्स, आप लाइव हैं तो प्लीज कमेंट करते रहें. चलिए, बहुत अच्छी बात है. वो सात को कौन कौन सा था, चलिए हम लोग देखते हैं. हम लोग पढ़े थे मास का डायमेंशन. किसका डायमेंशन? मास का डायमेंशन पढ़े थे एम. उसी तरह लेंथ का डायमेंशन हम लोग पढ़े थे एल, है ना. बिल्कुल आदित्य शर्मा, ओके आदित्य. लेंथ का डायमेंशन हम लोगों ने पढ़ा था एल. टाइम का डायमेंशन हम लोगों ने पढ़ा था टी. तो इस तरह से हम लोग सात डायमेंशन पढ़े थे, है ना. टेम्परेचर का डायमेंशन हम लोग देखे थे के, है ना. उसी तरह से करेंट का हम लोग डायमेंशन देखे थे, करेंट का आई और ए, है ना.
तो इस तरह से हम लोग ब्रैकेट में इसे लिखते थे, स्क्वायर ब्रैकेट में। कैसे ब्रैकेट में? स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोग लिखते थे और इसे डायमेंशन कहते थे। ठीक है, तो ये अगर जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ लाइव में नए क्लास कर रहे हैं, नए स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं, तो आप लोग पहले के वीडियोज को अच्छे से देखें ताकि आपको समझ आ सके। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं, है ना। चलिए हम आज कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शंस के, कुछ इम्पोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन की बात करेंगे। क्या पिक्चर्स क्लियर देख पा रहे हैं? ओके डियर स्टूडेंट्स, क्या आप लोग क्लियर देख पा रहे हैं? इमेज क्लियर है? क्या वीडियोज क्लियर है? आपको दिख पा रहा है? वीडियोज अच्छे से दिख पा रहा है? ओके आप लोग कमेंट्स करें। क्लास 11 का क्लास है क्या आदित्य? हाँ ये क्लास 11th का है। ओके चलिए, क्या देख पा रहे हैं आप लोग? ओके हमारे साथ स्टूडेंट्स धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, सभी बच्चे जुड़े हैं। ओके अगर आप 12th से यहाँ देखते हैं तो 12th की क्लास आपकी 4 बजे होती है, 4 बजे इवनिंग में 12th की क्लास स्टार्टिंग होती है, है ना। आप 4 बजे आकर के क्लास कर सकते हैं, इवनिंग में 4 बजे आपकी लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती है। ओके बाय, काफ़ी बढ़िया बात है। चलिए तो आज हम लोग कुछ बेसिक क्वांटिटी के हम लोग यूनिट्स देखेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वांटिटी है बाबू, हम लोग देखे थे, चलिए फोर्स का यूनिट बताइए। किसका? फोर्स का डायमेंशन। किसका डायमेंशन? फोर्स का। फोर्स का क्या फॉर्मूला होता था? मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का हम लोग डायमेंशन क्या लिखते थे? एम। एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या लिखते थे? एल टी माइनस टू। क्या डायमेंशन आ गया इसका? एम एल टी माइनस टू। क्लियर, ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। क्लियर दिख पा रहा है? ये हम लोग पिछले क्लासेस में जो है पढ़ लिए थे कि इसका डायमेंशन क्या होता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ओके क्लियर है बाबू, क्या यहां तक मेरी बात क्लियर है? आप लोग को यहां तक की बात क्लियर है? चलिए बहुत अच्छी बात। और आज हम लोग इससे आगे देख रहे हैं, जैसे आपसे अगर क्वेश्चंस पूछा जाए सेकेंड नंबर कि चलिए आप बताइए प्रेशर का डायमेंशन। किसका? प्रेशर का। तो प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। हाँ या ना, फोर्स बाय एरिया। फोर्स का डायमेंशन क्या होगा? एम एल टी माइनस टू। यहां से देख लिए, लिख दीजिए। एरिया का डायमेंशन क्या होता है? एल टू। यहां से देखिए, जब इसे सॉल्व करेंगे, एम है एम लिख दिए, एल का पावर टू है, ऊपर जाएगा तो ये माइनस टू होगा, नीचे से जब पावर ऊपर जाएगा तो माइनस टू होगा। तो पहले से पावर एल का कितना है? वन। ऊपर गया ये माइनस टू, कितना हो गया? एल का पावर माइनस वन। समझ पा रहे हैं? तो यहां हमने लिखा एम एल माइनस वन और टी का पावर कितना हो गया? माइनस टू। ये हमको मिल गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या मिल गया? डायमेंशनल फॉर्मूला। आपसे उसी तरह से पूछा जा सकता है कि चलिए डायमेंशन बताइए आप किसका, तो आपसे डायमेंशन पूछा जाएगा मोमेंटम का। मोमेंटम क्या पढ़ाए थे? मोमेंटम इक्वल टू, मोमेंटम का फॉर्मूला बताइए, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। तो बताइए मास का डायमेंशन हो गया एम, वेलोसिटी का डायमेंशन हो गया एल टी माइनस वन। कितना निकल गया? ओके कितना निकल गया इसका डायमेंशन बाबू? एम एल टी माइनस वन। तो ये डायमेंशन हमें प्राप्त हुआ। ओके क्लियर है नीतीश? बहुत जल्दी सर। ओके क्या दिक्कत हुआ? हाँ बहुत जल्दी तो नहीं, थोड़ी सी लेट हो गई। ओके क्योंकि क्लासेस में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स थी, सेटअप करने में थोड़ा सा समय लग सकता है। ओके आप लोग बाबू ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइव आए जिससे कि क्लासेस कंटिन्यू चल सके, है ना। ओके 4 बजे लाइव रहता है, 4 बजे लाइव आप आते हैं। ओके 4 बजे क्लास 12 की लाइव होती है और क्लास 11 की लाइव क्लास आपको दोपहर में। क्लियर है? कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। चलिए अब हम बात करने वाले हैं वर्क के बारे में। कोई इश्यू आ रहा है?
ओके, वर्क के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए वर्क का डायमेंशन क्या होगा, क्लास लेट स्टार्ट है, हाँ थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ है। वर्क का डायमेंशन क्या होगा, वर्क के बारे में अगर बात करें तो वर्क किसके बराबर होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके चलिए फोर्स का डायमेंशन बताइए, एम एल टी माइनस टू, क्लियर। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन बताइए एल, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक तरह का लेंथ है, हम लोग पहले की क्लास में पढ़ चुके हैं। तो क्या हो गया, एम एल टू टी माइनस टू, ये हमें मिला वर्क डन। क्या वर्क डन प्यारे स्टूडेंट्स, ओके अच्छे से वीडियो नहीं आ पा रहा है, ओके हम देखते हैं क्या इश्यू है। बाबू यहां तो सब क्लियर है, ओके आपको वीडियो अच्छे से नहीं आ पा रहा है, क्या इश्यू है, क्लियर है तो आप कमेंट करें, क्या सब क्लियर दिख पा रहा है कमेंट्स करें, ओके सब क्लियर है कमेंट करें, क्लियर है सब चीज, ओके सभी बच्चे कमेंट्स करें, अगर क्लियर है तो आप कमेंट कीजिए। चलिए तो आगे आपसे बात किया जाए एनर्जी का। तो बाबू एक बात आप हमेशा याद रखेंगे कि जो वर्क होता है वो एनर्जी के बराबर होता है ना, और एनर्जी या हीट इन सब की डायमेंशन बराबर होते हैं, वर्क कहे एनर्जी कहे हीट कहे या टॉर्क कहे, या टॉर्क कहे, इन सब की डायमेंशन एक ही होती है, वो कितनी होती है, एम एल टू टी माइनस टू, एम एल टू टी माइनस टू। और ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा चुका है ना। चलिए इसे जेई मेंस में भी एक दो बार क्वेश्चन आया हुआ है डायरेक्टली। अब अगर आपसे टॉर्क का फॉर्मूला हम जानना चाहें, टॉर्क क्या होता है, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है बाबू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कैसा डिस्टेंस, इसे क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला आप वहां से पुट कर लीजिए, फोर्स का अगर डायमेंशन आप पुट करेंगे तो फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस टू, और डिस्टेंस का डायमेंशन होता है एल, यहां से फिर हमें क्या मिल गया, एम एल टू टी माइनस टू, क्लियर है, ये हमें डायमेंशन मिला, ओके। क्या कोई इश्यू है, आप लोग के कमेंट्स नहीं आ पा रहे हैं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बहुत अच्छी बात नीतीश, काफी अच्छा है, ओके। चलिए आगे अगर हम बात करें, हमने टॉर्क का देखा, वर्क का देखा और फोर्स का देखा, इम्पल्स का, किसका डायमेंशन, इम्पल्स का डायमेंशन। तो देखिए इम्पल्स का डायमेंशन कैसे निकालते हैं, ओके इम्पल्स, तो इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम, याद रखिएगा। फोर्स का डायमेंशन बताइए, फोर्स का डायमेंशन क्या मिला, एम एल टी माइनस टू, और टाइम का डायमेंशन टी, तो यहां से हमें मिल गया एम एल टी माइनस वन, एम एल टी माइनस वन। एक बात तय की है कि इम्पल्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस वन हुआ, क्लियर, सही बात है, बहुत अच्छा बात, ओके। अब आपसे हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, उस क्वेश्चन का आप रिप्लाई करें, है ना, क्या आप तैयार हैं क्वेश्चन के लिए, ओके सर मार्कर में इंक डाल दीजिए, ओके हाँ। टॉर्क का डायमेंशन सेम होता है, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, याद रखेंगे, तो डायमेंशन सेम होता है, डायमेंशन यूनिट नहीं, याद रहेगा, ओके। चलिए हम आगे बात करते हैं, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है हर साल एग्जाम्स में, जो है फेवरेट क्वेश्चन है, जेई के एग्जाम्स में आता है, नीट के भी पेपर में आया हुआ है। चलिए क्वेश्चंस देते हैं, आप लोग बना करके ट्राई कर सकते हैं, ओके
और आपको अगर किसी पॉइंट्स में दिक्कत है, समझ नहीं आ पा रहा है, तो आप हमें कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं और अपने सभी फ्रेंड्स को इन्फॉर्म कर सकते हैं, ताकि लाइव क्लासेस में वो आकर के क्लास का बेनिफिट लें और अपने लॉकडाउन के दौरान भी अपने स्टडी को कंटिन्यू रख पाएं। ओके, थैंक यू नीतीश। चलिए हम आगे बात करते हैं क्वेश्चंस का, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग सही जवाब देंगे। ओके, चलिए क्वेश्चंस है। Which of the following pair have same dimension? Okay, which of the following pair have same dimension? कौन से pair का same dimension होगा, यही निकालना है। Option A है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, सेकेंड है स्पीड एंड वेलोसिटी, थर्ड है वर्क एंड हीट, फोर्थ है ऑल ऑफ दीज। बताइए कौन सा आंसर होगा। आप आंसर कमेंट्स कर सकते हैं कि कौन सा आंसर होगा। ओके, आप आंसर कमेंट करके बता सकते हैं हमें कौन सा आंसर होगा, क्या आंसर होगा। प्यारे स्टूडेंट्स, पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जिसके पास डायमेंशन हमेशा सेम होगा, सबकी डायमेंशन सेम होती हैं। आप इसका आंसर हमें कमेंट्स के थ्रू दे सकते हैं। चलिए, आदित्य शर्मा ए, रिया राज, रिया काफी सही आंसर दिया आपने। ओके, आदित्य थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया आप आदित्य। ओके रिया, आपकी आंसर सही है, चलिए बहुत अच्छी बात। नीतीश सोनूराज, ओके ये तो नहीं होगा, थोड़ी सी गड़बड़, सही से आप सोचिए क्वेश्चंस को। चलिए हम लोग बात करते हैं सॉल्यूशन की। आपसे पूछा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है एल, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होता है एल, है ना, एल एल हो गया, काफी सही, पहला सही है। स्पीड का डायमेंशन क्या होता है एल टी माइनस वन, वेलोसिटी का एल टी माइनस वन पढ़ाए थे, ये भी सही है। वर्क का और हीट का भी डायमेंशन मैंने पढ़ाया एम एल टू टी माइनस वन, एम एल टू टी माइनस वन, इसका भी सेम होता है ना एम एल टू टी माइनस वन, अभी की क्लास में मैंने पढ़ाया, ये भी सही है। इसलिए कौन सा आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, कौन सा आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ओके, देयरफॉर डी नंबर आंसर करेक्ट होगा। अगर कोई इश्यू है तो आप कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। ओके, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात। चलिए हम एक अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्लियर है यहां तक, क्लियर है। ओके, अगर क्लियर है तो आप बात कर सकते हैं, क्या क्लियर है डायमेंशन। आप लोग के कमेंट्स नहीं आ पा रहे हैं, आप कमेंट्स करें। ओके, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। डिस्टेंस में डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है। हाँ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर तो है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन डायमेंशन में हम लोग स्केलर वेक्टर नहीं देखते हैं। डायमेंशन स्केलर हो वेक्टर हो दोनों का सेम हो सकता है ना, यूनिट अलग अलग हो सकता है लेकिन डायमेंशन जो है सेम हो सकता है। डिस्टेंस एम और डिस्प्लेसमेंट, क्या डिस्टेंस एम डिस्प्लेसमेंट एल, ओके नहीं, डिस्टेंस की डायमेंशन जो है एल होती है, डिस्प्लेसमेंट की भी एम ही एम नहीं होती है, उसकी भी एल ही होती है। चलिए अच्छी बात है, अगला हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव सेम डाइमेंशंस? ए नंबर है वर्क एंड एनर्जी, ओके। बी नंबर है इंपल्स एंड मोमेंटम, ओके, इंपल्स एंड मोमेंटम। सी नंबर है बोथ ए एंड बी, और डी नंबर ऑप्शन है स्पीड एंड एक्सेलरेशन। बताइए कौन सा आंसर होगा, कमेंट्स करें कौन सा आंसर होगा। ओके, कौन सा आंसर होगा, आप कमेंट्स करते रहें। चलिए कौन सा आंसर होगा, आंसर क्या होगा, आप कमेंट्स के थ्रू बात कर सकते हैं, बता सकते हैं। आप लोगों के रिस्पॉन्स की हम वेट कर रहे हैं। चलिए आंसर क्या होंगे बताइए। ओके, आदित्य शर्मा बी। ओके आदित्य, थोड़ी सी आपने फिर गड़बड़ कर दी। नीतीश सोनूराज सी। चलिए सभी बच्चे कमेंट्स करें, रिया सी। ओके, सभी का कमेंट्स आने पाए। आदित्य थोड़ा सा सोचिए, आप लोग भी सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए देखिए आंसर की बात करें, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एनर्जी भी तो वही होता है ना, वर्क और एनर्जी दोनों जो है सिमिलर क्वांटिटी है ना। डायमेंशन अभी मैंने बताया एम एल टी माइनस टू, एम एल टू टी माइनस टू, क्लियर। इंपल्स एंड मोमेंटम, अभी डायमेंशन मैंने बताया इंपल्स का फोर्स इंटू टाइम, और मोमेंटम का, मोमेंटम का डायमेंशन क्या बताया मैंने, मास इंटू वेलोसिटी। तो बताइए फोर्स इंटू टाइम से इंपल्स निकालेंगे तो एम एल टी माइनस टू इंटू टाइम का टी, तो क्या मिल गया एम एल टी माइनस वन। और देखिए तो मास है ये, आई एल टी माइनस वन को क्या कहते हैं हम लोग, वेलोसिटी कहते हैं ना, तो इस दोनों का डायमेंशन हो गया एम एल टी माइनस वन। ये दोनों का भी तो सेम है। स्पीड एंड एक्सिलेशन, स्पीड का डायमेंशन क्या होता है एल टी माइनस वन, और एक्सिलेशन का एल टी माइनस टू, क्या ये दोनों सेम है, नहीं ना, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। इसलिए कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, सी बोथ एंड बी। क्लियर है, समझ पा रहे हैं आप? ओके डियर स्टूडेंट्स, क्या आप समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं आप? ओके चलिए हम लोग एक और क्वेश्चंस को देखते हैं। अब आप डायमेंशन निकालना सीख गए हैं, आपको कोई भी फॉर्मूला दे दिया जाता आप डायमेंशन निकाल दीजिएगा। चलिए, हाँ मेरा सी था, हाँ देखे थे हम, आपका सी था, आपने सी कमेंट किया था, सही आंसर था। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। फाइंड आउट डायमेंशन ऑफ डायमेंशन निकालना है ना, फाइंड आउट डायमेंशन ऑफ जी, किसका, जी का। तो जी से रिलेटेड फॉर्मूला है एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन है एम वन जो है एम को कहते हैं हम लोग मास, और जो R है उसे कहते हैं हम लोग डिस्टेंस, F को हम लोग कहते हैं फोर्स, और इस G को कहते हैं ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। ओके ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। चलिए बताइए कैसे निकालेंगे, डायमेंशन क्या होगा इसका। तो देखिए अगर g के बारे में पूछा है तो पहले g बराबर लिखिए, तो क्या लिख सकते हैं हम, देखिए तो ऐसा लिखा जा सकता है f r स्क्वायर इक्वल टू g m1 m2, क्या ऐसा लिख सकते हैं, ये डिवीजन में है इधर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। हमको g चाहिए इसलिए लिखेंगे g इक्वल टू, g चाहिए तो ये वाला जो टर्म्स आपको दिख रहा है ये दोनों टर्म्स को हमको किधर, इस तरफ भेजना होगा, तो एफ आर स्क्वायर बाई एम वन एम टू,
अब डायमेंशन रख दीजिए, जी का डायमेंशन चाहिए, फोर्स का डायमेंशन बताइए एम एल टी माइनस टू। आर यूनिट है, डिस्टेंस है, फोर्स आर जो है डिस्टेंस है, डिस्टेंस का डायमेंशन एल टू। उसी तरह मास का डायमेंशन एम इंटू एम। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए m का पावर यहां वन, यहां m से m कैंसिल हो गया, एक m बचेगा, ऊपर जाएगा, पावर क्या होगा माइनस वन। क्लियर, m से m कैंसिल, एक m बचा, m से पावर ऊपर गया माइनस वन। l का पावर टू और वन कितना हो गया, l का पावर थ्री। और यहां पर देखिए t का पावर कितना हो गया माइनस टू। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स, क्लियर है। एम एल टी माइनस टू इंटू एल स्क्वायर बाई एम इंटू एम, एम से एम कैंसिल हुआ, एम ऊपर गया माइनस वन, एल का पावर थ्री, टी का पावर माइनस टू। ये इसका आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या मिला, डायमेंशनल फॉर्मूला। और आपसे डायमेंशन की बात किया गया है, किसका डायमेंशन की, तो इसका डायमेंशन कितना होगा माइनस वन थ्री माइनस टू। याद रहेगा माइनस वन थ्री माइनस टू, मतलब मास में माइनस वन, लेंथ में थ्री और टी में माइनस टू। क्लियर है, यहां तक की बात क्लियर है? ओके, अगर क्लियर है तो आप लोग कमेंट्स करें। चलिए क्लियर है मेरी बात तो कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं, कोई इशू तो नहीं। ओके रिया, ठीक है, सही बात है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन से एक सॉल्व करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। चलिए डायमेंशन चाहिए हमें, डायमेंशन ऑफ चार्ज, डायमेंशन ऑफ चार्ज, चार्ज का डायमेंशन चाहिए। I बराबर फॉर्मूला है Q बाई टी, I बराबर Q बाई टी, Q क्या है चार्ज है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा I इंटू टी। तो डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा कमेंट से बताएं, चार्ज का डायमेंशन चाहिए। डायमेंशन क्या होगा चार्ज का कमेंट से बता सकते हैं, क्या डायमेंशन आएगा चार्ज का, चार्ज का डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन बताइए चार्ज का। ओके, चार्ज का डायमेंशन बताइए, चार्ज का डायमेंशन क्या होगा। देखिए यहां आई है, आई का डायमेंशन एम्पियर होता है ना, और टी का टी, तो ए टी और आई टी दोनों ही सही है। क्लियर है, ए टी और आई टी दोनों सही है, ए टी वन, बहुत बढ़िया। ओके, ए वन टी वन, काफी सही, काफी सही आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, उसे आप सॉल्व करके दिखाएं। एक क्वेश्चन है, फाइंड आउट डायमेंशन ऑफ, फाइंड आउट डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला याद है, वी कहते हैं, वी इक्वल टू क्या होता है डब्ल्यू बाई क्यू, वी इक्वल टू क्या होता है डब्ल्यू बाई क्यू। तो हमें वी का चाहिए डायमेंशन, तो क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ वर्क डन बाई डायमेंशन ऑफ चार्ज। इसको कहते हैं हम लोग वर्क, और इसे हम लोग कहते हैं चार्ज। आपने क्लास टेंथ में पढ़ा था वर्क का डायमेंशन क्या होता है, वर्क का डायमेंशन होता है एम एल टू टी माइनस टू। कहां पढ़े, अभी पढ़े थे। चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, ए टी। बताइए क्या निकल गया यहां से, एम, देखिए ये ए ऊपर जाएगा, इसे लास्ट में लिख दीजिएगा, टी ऊपर जाएगा तो एल टू एम एल टू, टी ऊपर गया तो माइनस थ्री, ये वन ऊपर जाएगा तो माइनस वन, माइनस टू माइनस थ्री, और ए माइनस वन, ये हमारा डायमेंशन हो गया, किसका, पोटेंशियल का। पोटेंशियल का डायमेंशन समझ आ पाया आप लोगों को, ओके कोई दिक्कत तो नहीं, डायमेंशन समझ गए, पोटेंशियल का डायमेंशन समझ आया तो आप कमेंट्स के थ्रू रिप्लाई कर सकते हैं। अगर आप समझे तो गॉट इट लिखें, अगर आप समझ चुके हैं तो एक बार गॉट इट लिखें। ओके नो प्रॉब्लम नीतीश सोनू, ओके सही बात है।
चलिए कुछ और हम लोग इम्पोर्टेंट डायमेंशंस को देखते हैं और फिर हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे। चलिए, प्लैंक कांस्टेंट का नाम आपने सुना है क्या? आप प्लैंक कांस्टेंट का नाम सुन चुके हैं? प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है, आप उसका नाम सुने हैं कभी? अगर प्लैंक कांस्टेंट के बारे में आप कभी सुने हैं तो आप हमें रिप्लाई कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं कि आपने प्लैंक कांस्टेंट का नाम सुना है। ओके, क्या प्लैंक कांस्टेंट का नाम सुने हैं? जवाब दीजिए। नो सर। ओके, कोई बात नहीं, नहीं सुने हैं तो चलिए हम आज आपको सुनाते हैं। आपने क्लास टेंथ में पढ़ा था बाबू लाइट के बारे में। किसके बारे में? लाइट के। तो आपको लाइट में पढ़ाया गया होगा कि लाइट किससे मिलके बना होता है? फोटोन से। किससे? फोटोन से। और उसी फोटोन का जो एनर्जी होता है, लाइट में जो एनर्जी होता है, उसे हम कहते हैं एच न्यू। क्या कहते हैं? एच न्यू, है ना। जहां एच को कहते हैं हम लोग प्लैंक कांस्टेंट। एच को क्या कहते हैं? प्लैंक कांस्टेंट। ओके, और जो न्यू है, इस न्यू इसे कहते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग फ्रीक्वेंसी की बात कर लें। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन अगर आपसे पूछा जाए, फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन होता है वन बाई टाइम। फॉर्मूला होता है वन बाई टाइम पीरियड। तो बताइए इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन बताइए क्या होगा? डायमेंशन बताइए फ्रीक्वेंसी का क्या होगा? फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन चाहिए। क्या आंसर देंगे आप? रिप्लाई करें। ओके, फ्रीक्वेंसी के क्या आंसर होंगे डायमेंशन के? रिप्लाई करें। चलिए देखिए, वन बाई टाइम है तो टी होता है ना डायमेंशन, वन बाई टी। टी को ऊपर भेज दीजिए, कितना निकल गया? टी माइनस वन। ओके, टी माइनस वन, काफी सही। तो ये डायमेंशन मिला हमें। अब हमसे प्लैंक कांस्टेंट के बारे में पूछा है। किसके बारे में? प्लैंक कांस्टेंट। तो प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन चाहिए। तो प्लैंक कांस्टेंट एच बराबर फॉर्मूला क्या आएगा? एनर्जी बाई न्यू आएगा। यहां से देखिए, एच बराबर क्या फॉर्मूला निकल जाएगा? एनर्जी बाई न्यू। ओके, एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है? एनर्जी की डायमेंशन क्या होता है? एम एल टू टी माइनस टू। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या निकाला आपने? टी माइनस वन। क्या निकल गया? एम एल टू टी माइनस थ्री। क्लियर है? एम एल टू टी माइनस थ्री। यहां से आपने डायमेंशन निकाल लिया किसका? प्लैंक कांस्टेंट का। ओके, क्लियर, याद रहेगा आपको प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन क्या निकाले हम लोग? प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन क्या आया? ई बाई न्यू। एनर्जी का होता है एम एल टू टी माइनस टू, टी माइनस वन ऊपर गया तो ये मिल गया एम एल टू टी माइनस थ्री। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? क्या यहां तक मेरी बात क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छी बात। अब हम लोग कुछ और डायमेंशन की बात करेंगे। चलिए, आपसे अगर पूछा जाए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक अदर क्वांटिटी हो जाता है और इसे हम कहते हैं थीटा। क्या कहते हैं? थीटा, याद रहेगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को क्या कहते हैं? थीटा। तो इसकी यूनिट जो होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, वो होती है रेडियन। क्या होती है? रेडियन, याद रखिएगा, ठीक है। और जो इसके डायमेंशन होती है, डायमेंशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जब भी आपसे डायमेंशन पूछा जाए, क्या पूछा जाए? डायमेंशन, याद रहेगा। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एक सर्कुलर, अगर कोई पाथ पे कोई बॉडी अगर अपना पोजीशन कवर करता है, ए से बी तक ये बढ़ गया, तो इसने जितना एंगल कवर किया थीटा, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसे क्या कहा जाता है डियर स्टूडेंट्स? इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। और जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है उसका हम लोग कोई भी
डायमेंशन नहीं निकालते हैं, मतलब उसका डायमेंशन नहीं होता है, इसका डायमेंशन नहीं होता है, ओके, कोई भी डायमेंशन इसका नहीं होगा। लेकिन वही अगर हम बात करें एंगुलर वेलोसिटी है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो आप समझ गए, एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं ओमेगा, और फॉर्मूला होता है ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी। तो अब इसका डायमेंशन आएगा, और इसका जो डायमेंशन होता है ओमेगा का, वो कितना होता है, डायमेंशन ऑफ थीटा बाई डायमेंशन ऑफ टी, थीटा का कोई डायमेंशन नहीं वन, टाइम का डायमेंशन बात करें टी, ये हो गया टी माइनस वन। तो डियर स्टूडेंट, एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन हमें कितना मिल गया, टी माइनस वन, क्या याद रहेगा आपको कितना हुआ एंगुलर। अगर आपसे वेलोसिटी के बारे में बात किया जाए तो एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन कितना होता है, आप हमेशा इसे याद रखेंगे। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, अगर कोई भी दिक्कत नहीं तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए सब ठीक है। क्या रिप्लाई दिया जाए, ई बराबर एच न्यू, नहीं समझे सर, ई बराबर एच न्यू एक फॉर्मूला है जिससे हम लोग लाइट के फोटोन का एनर्जी निकालते हैं और इसका यूज किया जाता है, ओके, क्लियर है यहां तक बात, चलिए ठीक है। अब आपसे पूछा जाए एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, तो एंगुलर एक्सेलरेशन को कहते हैं हम लोग अल्फा, और अल्फा बराबर होता है ओमेगा बाई टी, और ओमेगा का डायमेंशन आप देखें टी माइनस वन, और टाइम का टी, तो ये हो गया टी माइनस टू, क्लियर। तो ये हो गया हमारे पास डायमेंशन, इसी को हम लोग लिखते हैं ऐसे एम जीरो एल जीरो टी जीरो, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं है इसलिए सब वन वन हो जाएगा। यहां पर अगर हम बात करें तो इसे हम लिखते हैं एम जीरो एल जीरो टी माइनस वन, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका अगर बात करें तो हम लिखेंगे एम जीरो एल जीरो टी माइनस टू। तो आज की क्लास में हम इतना ही, इससे आगे हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका लिंक सभी फ्रेंड्स तक शेयर करें। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, आपकी क्लासेस 1 बजे से ही कंटिन्यू होती हैं, आप सभी फ्रेंड्स को शेयर करें जिससे कि सभी बच्चे इसका बेनिफिट उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।